खा के महाराणी जिंदा ने आखिया मैं पुत्र दलीप सिंह सुमान ने आखिया मैं पुत्र दलीप सिंह इन अखा के सामने तेरा प्यो गया तेरा प्यो गया तेरा प्यो तेरा प्यो ना रहा मैं दलीप सिंह इन अखा के सामने लाहौर का तख्त ताज जाना लगिया लाहौर का तख्त ताज ना रहा वे इन अखा के सामने तेरे भरा ना रहे वे इन अखा के सामने माफ करना सिख राज ना रहा मथे ते मार के थड़ा आख्या वे बेटा अज साडे घर गुरु गोबिंद सिंह जी सिखी अज साडे घर गुरु गोबिंद सिंह जी सिखी रही वे बेटा तेनू पदत पुण की हालत विच वेखण तू पहला वे मैं मर क्यों ना गई वे मैं मर क्यों ना गई कहते ने कवर दलीप सिंह ने ऐना एहसास किया मां मां मैं वादा करदा मैं अज तू केस कतल नहीं करवावांगा मैं केस रखांगा केस रखे भी अमृत भी छकिया हुक्म मनिए होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी मां करना गुरु की संगत विचार कर रही सी गुरु साहब ने सानू अपने पुत्र बनाया एते पुत्री कौन न पानी मन एक बारी कह दे वाहेगुरु शक्तियां कदे गुरु नानक दे पुत्रां दे कोल नहीं घट नहीं सक एक बारी करोगे कृपा कह दो वाहेगुरु एक बारी फिर कह दो वाहेगुरु जी माफ करना सजना जिस को जड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाया करती है उस कौम का दुनिया तो नाम निशान मिट जाया करता इतिहास है साढ़े दस गुरु ऐवें इतिहास है कहते जी असं कहने जी बाणी पढ़ो जी छटो परा इतिहास दियां गल्लां खाता दी गुरु ग्रंथ साहब छे गुरुआं दी बाणी पांच गुरुआं दी बाणी है एक श्लोक माफ करना दसवें पातशाह दा आउंदा मुकदी गल की पांच दी मनदा मुकदी हद छे दी है माफ करना गुरु प्यारियो पांच गुरुआं दे नाम ने गुरु ग्रंथ साहब च पांच दे नहीं दस गुरु आए ने ओ साडा इतिहास है पंजां प्यारियां दे गुरु ग्रंथ साहब च नाम नहीं ए साडा इतिहास है चार साहिबजादे ए साडा इतिहास है चारी मुक्ते ए साडा इतिहास है सिख झंडा ना बन बन के छाड़े गए साडा इतिहास है सिखां दे सिरां दे आरे फिर गए साडा इतिहास है सजना सिख जुड़दा जी भाई दयाल दास वर्गे देगा च उबाले गए साडा इतिहास है पंजवें पातशाह तत्तियां तंगियां ते बिठाए गए साडा इतिहास है नौवें पातशाह गुरु के संगत दलीप सिंह हजूर दा शीस धर तों जुदा कीता गया साडा इतिहास है सजणो जे असि अपना इतिहास ही ना इतिहास ही भुल गए ते दसो की साडे पास की साडे साडे की साडे पास माफ करन सजणो जरा ध्यान देना पवेगा शक्तियां गुरु नानक दे पुत्रां कोल भी घट नहीं सन गुरु नानक दे कहदे पुत्रां कोल भी घट नहीं सन ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਦੂਤ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਕਿ ਜਲੀਲਾ ਦੇੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਉਹ ਦੋਸੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆਖਿਆ ਚਾ ਕਦਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਤਾ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੰਘੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਸੱਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਦੌੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਆ ਬਦੋਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ
माफ करना ते बाबा लक्ष्मीदास जी कहते कहते वीर श्री चंद आ की गल कहती बिरे अगे हिसाब किताब होना। हां बाबा लक्ष्मीदास जी कहते अगे हिसाब किताब होना ते बाबा श्री चंद जी नु बाबा लक्ष्मीदास जी की कहते कहते वीर श्री चंद जे गुरु नानक दे घरे जन्म लेके हिसाब किताब देना सी फिर गुरु नानक दे घरे जमना ही कर शक्तियां दे मालिक बाबा लक्ष्मीदास नु फिर बाबा श्री चंद जी कहते जन्म लेना और गल हिसाब ते देना ही पैना उथे सचो ही सच हिसाब ता देना ही पैना। तो बाबा लक्ष्मीदास पता की कहते कहता चंगा पर वीर श्री चंद शिकार बाद आ गए खेडा के पहला हिसाब किताब ही निकले जी शिकार इतनी शक्ति है किसे चेको ऐडिया शक्तियां रखने वाले पुत्र गुरु की खुशी तो वांझे आके पहला वीर श्री चंद पहला हिसाब किताब ही निबेड़े ये तो उन शिकार बाद जाके खेटा गए कहते ने बाबा लक्ष्मीदास जी घर आए ने तो घर वाले ने किया तैयार तो एक छोटा जा बच्चा सी बाबा लक्ष्मीदास का आके जी तंज करो भी घर वाले ने कहा तू भी तैयार हो बच्चे तैयार कर आते कितने जाना आते सचखंड चली गए हिसाब किताब निबेड़ के आई कहते ने घोड़े ते सवार होके बाबा लक्ष्मीदास जी सज्जनों कभी अपना इतिहास पढ़िया करो मेरी विचार चल रही थी पापा जी ने मैं वड्डी जी लाइब्रेरी बना दी अभी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बच्चे के दिल चंगे धार्मिक ग्रंथ धार्मिक किताबें जी सिख रिलीजन रिलेटेड हो वो तुहाडे कोल भेजीए जिहड़े मकान की नींह जड़ दे जाए हिल जाए वो घड़ी भी नहीं ते पल भी नहीं जिहड़े बाग का माली बेईमान हो जाए ओहदा फुल भी नहीं ओहदा फल भी नहीं माफ करना जिहड़ी बकरी शेर दे मुंह पै जाए ओहदा मास भी नहीं ओहदी खल भी नहीं ते जिहड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाए वो पाजदी नहीं ते कल खालसा जी बाबा लक्ष्मीदास घर वजू करके तैयार बिठाया घोड़े ते ते ऐ घोड़ा आकाश मार्ग दे जरिए ऐ घोड़ा आकाश मार्ग दे जरिए ऐ घोड़ा पड़दा जाए पिछे कहानी देखी है ते ओदी गोदी च बच्चा बल्ले 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 कहते बाबा श्री चंद जी किसी ने आख्या बाबा जी तुहाडा भरा दे सच्चा टुर गया बाबा श्री चंद जी जूं दौड़े लगे कहण है लक्ष्मीदास सच्चा टुर गया ते सियाणे कुछ नहीं आख्या परिवार भी नाल लै गए घर वाले भी लै गए नाल ते बाबा श्री चंद जी जूं दौड़े आख्यो मैं तां उहदा शादी शुदा सन मैं ते शादी नहीं करवाई इहदा मतलब कि गुरु नानक जी कुल रुक जाएगी कहिंदे ने बाबा श्री चंद जी जूं दौड़े जदों नजर मारी ना ते बाबा लक्ष्मीदास ओह एनियां एनियां शक्तियां रखण वाले पुत्तर गुरु नानक तों खुशी प्राप्त ना कर सके एक बारी फिर कहते एनियां एनियां शक्तियां रखण वाले पुत्तर गुरु नानक तो खुशी प्राप्त ना कर सके सज्जनों बाबा श्री चंद नु वाहे दित्ती बाबा लक्ष्मी चंद ने बाबा लक्ष्मी लक्ष्मीदास नु वाहे दित्ती बाबा श्री चंद ने किधर जा रहे हो गल सुन आके जाना किधर पहला हिसाब किताब निबेड़ेंगे इतिहास दसदा सज्जनों 11,500 योजन 11,500 योजन एक योजन 4 मील दा बनिया ते अंदाजा ला लो भी 11 चौक 44 ते 50 नु 4 50,000 नु माफ करना फिर 500 फिर यार दे लो 11,500 योजन बाहर लंबी करके ना जो बेजा दे बादे रही बाबा श्री चंद ने बाबा लक्ष्मी दास ते घर वाले दी गोदी चू बच्चा पहले के चल जाए ताकि गुरु नानक दी कुल गुरु नानक दी कुल चलदी रहे इन्नियां इन्नियां शक्तियां रखण वाले शक्तियां रखन वाले माफ करना गुरु की संगत पुत्र गुरु नानक तो फायदा ना ठा सके बाबा नानक यही ते लिखता सी एक बारी कह दे भाई माफ करना गुरु नानक दे घर विच इलेक्शन नहीं इथे कह दियो इलेक्शन फिर कह दे इलेक्शन इथे सिलेक्शन राती लिखे सी पंजा प्यारे ने केड़ा इलेक्शन लड़िया सी बाबा लैणा जी ने केड़ा इलेक्शन लड़िया सी सजनों एक गल ना भुलना जब तू गुरु नानक दे घर इलेक्शन आ गया ना इत्थे भाई मनी सिंह पारू सिंह वर्गे ते बाबा दीप सिंह वर्गे सूरमे जमणे बंद हो गए इत्थे गुणका गाहक जे मिले गुणका गाहक जे मिले